नमस्कार, हॉकफी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। दुनिया भर में धातु की कीमतों में भारी उछाल के बाद हाल के दिनों में हम चीन को अधिक इस्पात उत्पादन में नाकाम होते हुए देख रहे हैं। टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्र की राय है कि अगर चीन उत्पादन में कटौती करता है तो उसका निर्यात कम होगा और इससे स्टील की कीमतों में स्थिरता आएगी और वास्तव में वैश्विक इस्पात प्रवाह को बाधित करने की चीन की क्षमता भी कम होगी। उन्होंने आगे कहा, चीन के बाहर खपत बढ़ेगी, खपत में वृद्धि चीन के बाहर के बाजारों से अधिक प्रेरित होगी और मैं भारत में इस उद्योग के आशातीत सफलता के बारे में अधिक सकारात्मक हूँ। साल 2030 तक टाटा स्टील द्वारा अपनी क्षमता कम से कम 35 से 40 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना है और आने वाले वर्षों में कम से कम 1 बिलियन टन की क्षमता के साथ अधिक स्क्रैप आधारित सुविधाएं स्थापित करने पर कंपनी विचार कर रही है। टाटा स्टील के MD ने कहा, साल 2030 तक उत्पादन 40 मिलियन टन तक जाने की महत्वाकांक्षा है और मुझे लगता है कि 2025 तक कलिंगनगर स्टील प्लांट के तीसरे चरण के विस्तार के साथ साथ अंगुल विस्तार की योजना भी पूर्ण हो चुकी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा स्टील ने इस साल अगस्त में हरियाणा के रोहतक में 0.5 MTPA स्टील रिसाइकलिंग प्लांट चालू किया। नरेंद्र ने कहा, हम हरियाणा और पंजाब की सरकारों से बात कर रहे हैं और साथ ही स्क्रैप आधारित स्टील बनाने वाली इकाइयां स्थापित करने के लिए भागीदारों के साथ भी बात कर रहे हैं। नई कंपनियों के उच्च मूल्यांकन और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रवेश करने के साथ 1.54 लाख करोड़ रुपए के मार्केट स्क्रैप वाली भारत की सबसे पुरानी मिश्र धातु निर्माता कंपनी टाटा स्टील ने बताया कि बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करना ही बाजार में बने रहने की कुंजी है। नरेंद्र ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक इस्पात मांग में चीन की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों से गिर रही है और विश्व स्तर पर अधिकांश मांग विकसित देशों से आ रही है। उनका कहना है कि भारत स्टील का एक अच्छा और बड़ा निर्यातक है जिसमें भारत और रूस दुनिया में स्टील के सबसे कम लागत वाले उत्पादक हैं। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया ने कहा, चीन में स्टील की कमजोर मांग के बीच वैश्विक स्तर पर भारतीय और चीन स्टील कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। इकरा के अनुसार साल 2020-21 में चीन भारत से स्टील का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा। हालांकि चालू वित्त वर्ष में चीनी स्टील की मांग में गिरावट के साथ भारतीय मिलों द्वारा चीन को स्टील निर्यात का हिस्सा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 30% से घटकर केवल 8% रह गया। इस रेटिंग एजेंसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वैश्विक इस्पात मांग में चीन की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों से गिर रही है और विश्व स्तर पर अधिकांश मांग विकसित देशों से आ रही है। बताते चले कि भारत स्टील का एक अच्छा और बड़ा निर्यातक है जिसमें भारत और रूस दुनिया में स्टील के सबसे कम लागत वाले उत्पादक हैं। स्टील निर्यात देश अपने निर्यात को कम कर रहे हैं और भारत के पास इस अंतर को भरने का अवसर है। अगर भारतीय कंपनियां इसमें कामयाब होती हैं तो चीन इस क्षेत्र में भी इतिहास बन जाएगा। देश चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जिस लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लोगों ने जारी किया था मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद, उन संकल्पों को, एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मान करके पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी
संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहां पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, दूसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, तीसरे वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और चौथे वर्ष में भी, फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है, या संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। फर्क साफ है और वह साफ इस बात को लेकर के, पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थी, हमने पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण कर्ज के बोझ से दबे हुए किसानों को मुक्ति देने के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा भी प्रदेश के अंदर की थी और हमारी सरकार का पहला संकल्प था। फर्क साफ है, पिछली सरकारों के समय में कैसे आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था, गौ हत्याएं होती थी, गौ तस्करी होती थी, बड़े पैमाने पर इस कारण से प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगे होते थे। हमारी सरकार आई, हमने इल्लीगल स्लॉटर हाउसेज बंद किए, अवैध बूचड़खाने बंद किए, तस्करी रोकी और तस्करी रोकने के साथ ही प्रदेश के अंदर निराश्रित गौ आश्रय स्थल बना करके लगभग 7 लाख गौवंश को आज हम सरकारी संरक्षण में देखभाल कर रहे हैं। हर गौवंश के लिए हर महीने 900 रुपये देने का कार्य सरकार कर रही है। यह संकल्प भी हमारी सरकार ने पूरा किया और प्रदेश को हम लोगों ने इसके कारण फैलने वाली दुर्व्यवस्था से भी बचाया। पिछली सरकार में किसान शोषण का प्रतीक था, अव्यवस्था का प्रतीक था, प्रोक्यूरमेंट की कोई नीति नहीं थी, गन्ना किसानों का 10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। नई सरकार आई 2017 में, जिस संकल्प के साथ हम जुड़े थे, हमने प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके न्यूनतम समर्थन मूल्य हरेक किसान को देने की कार्रवाई प्रारंभ की, रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न की क्रय किया, क्रय केंद्र स्थापित कराए और गन्ना किसानों का 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान कराते हुए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार 1,48,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर चुकी है।